वेलकम बैक टू द वैष्णवी पाठशाला। वैष्णवी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो अप्रैल करंट अफेयर का चौथा सप्ताह हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इस करंट अफेयर में हम अप्रैल माह के जितने भी यानी 21 से लगा करके 30 तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर इस चौथे सप्ताह में थोड़े से दिन ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो ये बड़ी हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी प्रकार का अगर सुझाव है तो कमेंट्स कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने अभी अपना पहला ATP खिताब जीता है? तो क्रिश्चियन गैरिन ने पहला अपना ATP खिताब जीता है। अभी क्रिश्चियन गैरिन हैं कहाँ के? तो ये चिली के हैं, चिली के हैं क्रिश्चियन गैरिन। चिली की राजधानी सेंटियागो है और चिली पेसो यहाँ की मुद्रा है और प्रेसिडेंट इसके हैं सेबेस्टियन पिनेरा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केमिस्ट और ड्रगिस्ट के स्थान पर किस नए शब्द की घोषणा की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये बताया गया है कि अब हम केमिस्ट और ड्रगिस्ट के स्थान पर फार्मेसी वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब हम एक नई चीज़ लाने जा रहे हैं अपने चैनल पर, कि अब अगर मान लो कि किसी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो हम उसकी ऑडियो बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप उस ऑडियो के थ्रू हमारी जो बाकी चीज़ें जो चैनल पर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका वीडियो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उसको हम ऑडियो के द्वारा बता दिया करेंगे और उस ऑडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जा कर के उस ऑडियो को सुन सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में सोने का आयात कितने प्रतिशत घटा है? तो ध्यान रखिएगा, अभी जो रुपये उठाई है उसके अनुसार 3% सोने का आयात घट गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर सुहेज अजाज खान किस देश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो लेबनान के राजदूत ये नियुक्त हुए हैं। बात आई है लेबनान की, तो बेरूत यहाँ की राजधानी है, पौंड यहाँ की मुद्रा है और बिकेल आउन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, सिक्स नंबर पर बात करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल माह में द सेफ्टी एंड हेल्थ एट द हार्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग ऑन 100 ईयर्स एक्सपीरियंस, थोड़ा सा नाम लंबा है, नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये ILU इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये जारी की है। अब ILO की बात आई है तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड जो हैं गॉय राइडर हैं। ठीक है, इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें बता देते हैं क्या हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लमसम 2.8 मिलियन लोग मृत्यु का शिकार होते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाती है उनकी काम के दौरान। तो ये रिपोर्ट उस चीज़ के बारे में हमें बताती है। ठीक है, चलिए सेवन नंबर पर बात करते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, अप्रैल माह में दक्षिण एशिया जूडो महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह बाजवा को अप्रैल माह में दक्षिण एशिया जूडो महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, एट्थ नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को ये मनाया गया। पहली बार मनाया गया था 1970 को और इस बार की इसकी थीम ध्यान रखिएगा प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, इस बार की इसकी थीम रही और 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 1970 में। नाइन नंबर क्वेश्चन, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो चीन में हुई, बीजिंग इसकी राजधानी, रेनमिन में इसकी मुद्रा है और प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। अब ये जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई है कहाँ जारी हुई है? ठीक है, या इसको किसने जारी किया है, कहाँ हुई है? चीन में हुई है, तो पीपल बैंक ऑफ चाइना इसको शुरुआत कर रहा है, तो पीपल बैंक ऑफ चाइना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसको चीन में संपन्न कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दसवें नंबर पर। टेंथ नंबर सामने है हमारे, हाल ही में डाक वितरण प्रणाली बदलने के लिए भारतीय डाक ने किसके साथ समझौता कर लिया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ अब डाक भारतीय डाक ने समझौता कर लिया है। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन इसके इस समय कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा आप TCS से।
11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई? तो यूएई में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अब ये होगा क्या, ये वसुधैव कुटुंबकम का एक प्रतीक होगा, यानी वसुधैव कुटुंबकम के रूप में इसको हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। कहाँ? यूएई में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अब ट्विटर के नए एमडी कौन होंगे? तो मनीष माहेश्वरी भारत में अब ट्विटर के नए एमडी होंगे। ठीक है, अब ट्विटर की बात आई है तो इसकी स्थापना वर्ष तो ज़रूर हम जानेंगे, 2006, और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए फिर 13 नंबर बात करते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। अब इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि इन्होंने आईपीएल मैच देखा, भारत में आकर के इन्होंने आईपीएल मैच का लुत्फ़ उठाया था, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात आई है मालदीव की, तो माले इसकी राजधानी है, रुपया यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के प्रेसिडेंट यही इब्राहिम मोहम्मद सोले हैं। आगे 14 नंबर बात करते हैं, हाल ही में किसने कारोबारियों के लिए साइबर डिफेंस इंश्योरेंस शुरू किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने ऐसा किया है। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2009 में हुई थी और भूषण महापात्रा इसके MD हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान और किसने दोनों देशों के बीच संयुक्त प्रतिरक्षा बल बनाने की घोषणा की है? तो ईरान और पाकिस्तान दोनों मिल करके एक संयुक्त प्रतिक्रिया बल बना रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, यानी आतंकवाद से निपटने के लिए इन्होंने संयुक्त प्रतिक्रिया बल बनाई है। ठीक है, बात आई है ईरान की, तो हसन रूहानी यहाँ के प्रेसिडेंट है। एक लेखक थे एस मुथैया, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। 17 है, हाल ही में जारी EIU द्वारा जारी इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रेवरेंस में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर देश रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेनी एंटनी को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पेटेंट और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस से मैं आपको काफ़ी सारे फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहली बात कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके थ्रू पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और सबसे पहले ये 24 अप्रैल 2010 को पहली बार ये एक तरीके दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और सबसे पहले पंचायती राज जो है इंडिया के राजस्थान के नागौर ज़िले में लगा था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि किस राज्य में लगा था, तो राजस्थान, और किस ज़िले में लगा था, तो नागौर ज़िले में लगा था। अब जब पंचायती राज बन रहा था तो उस समय इसको 3 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था, तो इसका सुझाव जो दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ये तीन स्तर कौन कौन से थे? जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और गांव स्तर। और 2 स्तर बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किस देश की सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका की सेना आतंकवादी है। तो अमेरिका की सेना को आतंकवादी घोषित किया है किसने? ईरान ने। ठीक है, इसका बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर ग्लोबल हाइट्स के नगर को नामित किया है? तो इसका आंसर होगा इज़राइल। आखिर ये है क्या? है क्या इज़राइल और सीरिया के बीच में, ये बीच का एक स्थान पड़ता है गोल्डन हाइट। हुआ क्या था, 1967 में इज़राइल ने गोल्डन, यानी कि जो गोलन हाइट है, इस पर कर लिया क्या, कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद कुछ ही सालों बाद इसको छोड़ना भी पड़ा, लेकिन अब अमेरिका ने इसको एक पार्ट घोषित कर दिया है। तो इजराइल ने क्या किया है, उसी स्थान को डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर ग्लोबल हाइट्स का एक ग्लोबल हाइट नामक नगर बसा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात आई है यहाँ पर इजराइल की, तो जेरूसलम इसकी राजधानी, न्यू सेकर यहाँ की मुद्रा है, और प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आगे बात करते हैं 22 नंबर पर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग में
गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये वर्ल्ड के नंबर वन रेसलर हैं। अब ये चैम्पियनशिप हुई है, एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप चाइना में हुई है, चाइना के जियांग शहर में, तो इतना ध्यान रखिएगा। आगे 23 नंबर है, हाल ही में किस देश ने रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट जारी किया है, तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, रुपया यहाँ की मुद्रा है और जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आगे 24 नंबर है, किस महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर होगा झूलन गोस्वामी ने। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर हमारे सामने आ रहा है, दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो इसका जो सफल परीक्षण है वो रूस में किया गया है। तो पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण रूस में किया गया। 26 नंबर है, हाल ही में एसोचैम के महासचिव के पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो ध्यान रखिएगा उदय कुमार वर्मा ने एसोचैम के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। एसोचैम की स्थापना 1921 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक, 27 नंबर है, हाल ही में ऑपरेशन नाइट राइडर कितने राज्यों में शुरू किया गया, तो इसमें तीन राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब ये है क्या कि जो टूरिस्ट बसें होती हैं उनकी चेकिंग के लिए ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन नाइट राइडर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इस बार बहरीन जो है वो शीर्ष पर रहा है और भारत, अपना भारत चौथे नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर जापान और दूसरे नंबर पर चीन रहा है। अब बात आई है बहरीन की, तो मनामा इसकी राजधानी है, दीनार यहाँ की मुद्रा और खलीफा बिन सलमान अल सलमान इसके किंग है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई है, तो दुनिया की पहली मलेरिया जो वैक्सीन है वो अफ्रीका में लॉन्च की गई है। अगुंग पर्वत जहाँ अप्रैल माह में विस्फोट हुआ कहाँ पर है, तो अभी अगुंग पर्वत में एक विस्फोट हो गया था, ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर है, इसके बाद रुपया इसकी मुद्रा है और जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट है, अभी हमने इसी वीडियो में पीछे बताया था। अभी इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, IAAC इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो विकास खन्ना को IAAC का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल माह में हुए ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, अब ISSF का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो बताइएगा ज्यूरिख में स्थित है। ठीक है, अब हुआ क्या है, मनु भाकर और सौरभ मिश्रा तथा अंजुम विश्वास ने 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक जीता है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है, तो सलीम खान हेलेन मधुर भंडारकर ने दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जीता है, तो तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से मिला है, सलीम खान हेलेन और मधुर भंडारकर। 34 नंबर है, पहला कृत्रिम क्रेटर किसने बनाया है, तो पहला जो कृत्रिम क्रेटर है वो जापान ने बनाया है। ठीक है, अब ये है क्या, ये क्या करेगा, जैसे कि सौर मंडल का विकास हुआ है तो किस प्रकार से सौर मंडल बना है, उसका विकास कैसे हुआ है, इस पर रिसर्च करेगा। ठीक है, तो जापान की बात आई है, टोक्यो राजधानी है, येन यहाँ की मुद्रा है और पीएम कौन है, शिंजो एबे, और संसद का नाम पूछा जाता है डाइट, ध्यान रखिएगा। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, बिंक किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया है, तो ग्रीन कार लोन जो है वो SBI ने शुरू किया है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किसको IPI ठीक है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो नामित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा डॉन अखबार के एडिटर हैं सिरिल अल मेड़ा। 37 नंबर है, भारतीय संविधान का कोंकणी संस्करण किसने जारी किया है, तो पीटर पॉल सल्दान ने ऐसा किया है। हैं कौन ये, मंगलोर की ये एक विशप हैं पीटर पॉल सल्दान, इन्होंने भारतीय संविधान का कोंकणी संस्करण जारी किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार ODI वनडे क्रिकेट टीम होती है जो
का दर्जा हासिल किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने पहली बार वनडे टीम का दर्जा प्राप्त किया है। 39 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 31% की गिरावट आई है। अब हुआ क्या है, इसके थ्रू जो मतलब यूरोपीय देश हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडक रहती है, तो उनको इससे फ़ायदा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से उनको फ़ायदा पहुँचा है। 40 नंबर क्वेश्चन, स्टेफनी फ्राइट कौन है? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली ये पहली महिला है, स्टेफनी फ्राइट, इसको ध्यान रखिएगा, स्टेफनी फ्राइट फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला है। ये लीग वन के मैच में फ्रांस की तरफ से रेफरी बनेंगी। अब बात आई है फ्रांस की, तो पेरिस यहाँ की राजधानी है, यूरो मुद्रा है, और इमैनुअल मैक्रॉन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इस प्रकार से हमने अप्रैल करंट अफेयर का चौथा सप्ताह समाप्त कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसको जुड़ने का तरीका हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।